अब जिस नेक्स्ट स्टेप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्टेप नंबर थर्टीन कीप द फ्लेम अ लाइफ नॉर्मली जब लोग किसी भी रिटेलर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं दे आर वेरी पैशनेट वेरी एंथजिक एंड देन विद द पैसेज ऑफ टाइम दे लूज देयर एनर्जी दे लूज देयर पैशन दे लूज देयर इंथ्यजम तो नॉर्मली एक रिटेलर को क्या करना है उसको ये करना है कि ही नीड टू एक्चुअली फ्लेम अप ही नीड टू एक्चुअली फायर दैट फ्लेम उसको फैन करना है प्रॉपरली ताकि वो जो आग है उनके अंदर जो पैशन है वो किसी न किसी तरीके से वो 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 बिल्कुल कंटिन्यू रहे वो पैशन जो है वो बढ़े रादर देन के वो किल हो जाए वो इंथ्यूज़म जो है वो बढ़े वो मोटिवेट रहें कनेक्टेड रहे ताकि आपका कस्टमर आपका रिटेल स्टोर आपका काम सारी चीज़ों के लिए बेहतर तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट हो सके नॉर्मली मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी अगर किसी रिटेल स्टोर के अंदर यंगस्टर्स को ऐड किया जाता है दे कम अप विद वेरी हाई एनर्जी सो so, जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट सराउंडिंग में उनके टीम मेम्बर्स हैं दे ऑल गेट मोटिवेटेड दे ऑल गेट पैशनेट दे ऑल गेट गेटिस तो लेकिन अगर इस शरायों के अंदर अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा आप चेंजेस ना लेकर आए आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंक्रेज ना करें पैशनेट लोगों को तो ग्रेजुअली ये होगा कि वो तमाम लोग उसी सिस्टम उसी इन्वामेंट का हिस्सा बन जाएंगे जिस तो तरीके से पहले लोग थे सो so, अल्टीमेटली आप जो एफिशिएंसी आप जो इफ़ेक्टिवनेस आप जो पैशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप जो एनर्जी करंट अपने लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो आपको इस केस के अंदर फिर नज़र नहीं आएगा तो रिटेल स्टोर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उस आग को जलने दें जो कि एक्चुअली आपके इम्प्लॉज़ के अंदर मौजूद है उस पैशन को जिंदा रखने के लिए यू नीड टू कीप दैम इंगेज एंड एंगेज एंड अगेज अगेन एंड अगेन ताकि उस पॉइंट को उस चीज़ को हम जिंदा रख सकें नेक्स्ट जो टिप हमारे पास है टिप नंबर फोर्टीन यू कैन नॉट लिसन विद योर ओपन माउथ बहुत इंपॉर्टेंट बात मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर लोग ये कहते हैं कि कम्युनिकेशन और टॉकिंग टू द पीपल और अंडरस्टैंडिंग लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है लेकिन मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि लिसनिंग इज आल्सो वन ऑफ द की फैक्टर्स जो कि किसी न किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करती है और आप किसी को तभी सुन सकेंगे जब आपका अपना मुंह बंद होगा बिकॉज आप जब बोल रहे हैं आप कब कोई बात कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी को किसी भी शख्स को एज एज ए टीम लीडर एज ए सुपरवाइजर ऑफ अ पर्टिकुलर रिटेल स्टोर सो एक्चुअली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं जो ऑलरेडी आपको मालूम है लेकिन जब आप किसी को सुनते हैं तो एक्चुअली आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे होते हैं जो कि आपके पास नॉर्मली नहीं होता

उनके सारे पर्सपेक्टिव को समझें सुने एज ए रिटेलर एंड देन यू कैन क्यूमुलेट ऑल बेस्ट पॉइंट्स एंड दैट इज ऑलवेज गुड फॉर अ रिटेलर टू इंप्लीमेंट और अगर ऐसा होगा अल्टीमेटली कस्टमर डिलाइट होगा कस्टमर हैप्पी होगा बिजनेस ग्रो करेगा सेल्स रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी और बिजनेस बहुत तेजी से फ्लरिश करेगा नेक्स्ट स्टिप जो हमारे पास मौजूद है दैट इज स्टिप नंबर फिफ्टीन एनीमन कैन स्टेयर द शिप इन काम वाटर्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वट यू नीड टू डू अगर बिजनेस रूटीन में है लाइफ नॉर्मल है देर इज़ नो अप्स एंड डाउन्स एनी वन कैन हैंडल दिस रोल। प्रॉब्लम कहाँ शुरू है सिचुएशन कहाँ खराब है जहाँ पर अप्स एंड डाउन्स हैं मैं बिल्कुल बेसिक्स एग्जाम्पल आपको देता हूँ यू हैव अ वेरी गुड स्टोर बहुत अच्छे कस्टमर फ्लोस में आता है एवरीथिंग इज नॉर्मल लाइफ इज हैप्पी सारा कुछ ठीक है अचानक उस स्टोर के बाहर वाली सड़क टूट गई है वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है और या वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसकी वजह से कस्टमर का फ्लो डिस्टर्ब हो गया तो क्या आपके जहन में कोई ऐसा प्लान पहले से था प्लान बी था कि हाउ आई विल मैनेज दैट अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाती है कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर हो जाते हैं तो क्या मैं इसको मैनेज कर सकूंगा? सो so इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात आपके पास ये है कि यू नीड टू इंश्योर कि मैं अपने बैड टाइम्स के लिए मैं अपने हार्ड टाइम्स के लिए यू नीड टू प्रिपेयर योर मैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल लेता हूँ वन ऑफ द टॉप रिटेल स्टोर इन पाकिस्तान के जहाँ पर उनके स्टोर में आग लग गई तो ऑफकोर्स हैव प्लान बी इन प्लेस क्या किया उन्होंने फ़ौरन अब एक एक हल था स्टोर में आग लग गई है सारा सामान जल गया तब है तबाह बर्बाद हो गया सारा कुछ तो रादर के कस्टमर डिस्टर्ब हो उन्होंने अपने तमाम कस्टमर्स को कम्युनिकेट किया कि आप जो भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं जस्ट गिव अस ऑर्डर ओवर द फ़ोन और हम आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर कर देंगे आपके घर पे या आपके ऑफिस में जहां आप डिलीवर करवाना चाहते हैं तो रिजल्टेंटली कस्टमर को उस स्टोर पे आना नहीं पड़ेगा ओवर द फ़ोन या ओवर द ई मेल ऑर्डर दे देगा और उसको ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा सो एक्चुअली प्लान बी फॉर द डाउन टाइम फॉर द डाउन टर्न आपने डिसाइड किया प्लान करके रखा और फिर जब वो वक्त आया आपने उसको एग्जीक्यूट किया क्योंकि जब ऑलरेडी बैड टाइम आ गए हैं इट इज़ वेरी टफ टू टेक डिसीजन एट दैट टाइम सो नॉर्मली रिटेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे नीड टू प्लान ऑलवेज एवरी थिंग प्लान बी प्लान सी ऑफ एवरी सिंगल पॉइंट बेशक वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है बेशक वो सप्लाई से रिलेटेड है बेशक वो सप्लायर्स से रिलेटेड है बेशक वो सर्विसेज से रिलेटेड है, रिलेट है कि इफ़ समथिंग हैपन्स तो बट दे हैव टू डू अगर कस्टमर फ्लो अचानक कम हो गया तो उसके ऊपर उनको क्या एक्शन लेना है अगर कस्टमर फ्लो ज़्यादा हो गया है तो इट इज़ ऑलवेज़ गुड लेकिन फॉर द बैड टाइम्स दे रियली नीड टू प्रिपेयर वेल और अगर आप ऐसा करते हैं एज ए रिटेलर इस बात को जहन में रखते हैं कि बुरा वक्त आ सकता है बेशक किसी भी परस्पेक्टिव में हो तो देन आप एक अच्छे तौर पर बिजनेस को चला सकते हैं एक अच्छे रिटेल स्टोर को चला सकते हैं मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा इसी पॉइंट के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्पेशली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर लेट से आपका कस्टमर आपके पास से अचानक आना कम हो गया सो रिजल्टेंटली आप क्या करेंगे यू विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे क्या करना है मुझे फ़ौरन क्या स्टेप्स लेने हैं क्या, क्या क्या काम कि कस्टमर मेरे पास से मच जाए लेकिन क्या आपके पास कस्टमर का डेटा मौजूद है अगर है यू कैन रियली फाइंड आउट अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट कि ये मेरे साथ क्या हुआ मेरे बिजनेस के साथ क्या हुआ सो so, अगर ये जहन में बात आपके पहले से है देन यू कैन प्लान इट कि मुझे अपने कस्टमर का डेटा बेस को अपने पास रखना है ताकि अगर कभी कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो मैं उसको ऊपर कस्टमर का फीडबैक ले सकूं कस्टमर से पूछ सकूं व्हाई ही इज़ नॉट कमिंग टू आवर स्टोर आवर रिटेल स्टोर तो अगेन दिस इज़ वन ऑफ द वन ऑफ द एग्जांपल्स कि जहां भी हमने डिस्कस किया देखा कि एक रिटेलर जो है वो किस तरीके से प्लान बी बनाकर अपने डाउन टाइम को अपने अपने बुरे वक्त के लिए को प्लानिंग कर सकता है अगर वो करने में कामयाब हो जाता है प्लान करता है तो ही इज़ Actually, a successful retailer.